नमस्ते। आप सब कुछ देख रहे हैं और फिर भी चुप हैं। सर दशक की मशहूर अभिनेत्री जिन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत बंगाली फिल्म से की थी, जो रविंद्रनाथ टैगोर की रिश्तेदार थी, जिन्होंने शादी करने के लिए इस्लाम को अपनाया, उनकी जानकारी देने जा रहा हूँ। उनका नाम है शर्मिला टैगोर। तो चलिए शर्मिला टैगोर की निजी जिंदगी की जानकारी करते हैं। शर्मिला टैगोर की बायोग्राफी, शर्मिला टैगोर की लाइफ स्टाइल, शर्मिला टैगोर की लाइफ स्टोरी, फैमिली, पेरेंट्स, एजुकेशन, हस्बैंड, चाइल्ड, फिल्मी करियर, अवार्ड्स, नेटवर्क की पूरी जानकारी हासिल करते हैं। शर्मिला टैगोर 1959 से 1984 तक भारत की एक मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं। इन्होंने वर्ष 1959 से 2010 तक सिनेमा में काम किया है। इनका फिल्मी करियर बहुत ही लंबा रहा। अब यह सिनेमा की दुनिया से संन्यास ले चुकी हैं। इन्होंने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत 14 वर्ष की उम्र में 1959 में सत्यजीत रे की एक बंगाली फिल्म अपूर संसार से की थी। 1960 में इन्होंने सत्यजीत रे की ही फिल्म देवी में काम किया। बाद में यह हिंदी सिनेमा में आई, जहां वर्ष 1964 में पहली बार काश्मीरी कली फिल्म में अभिनय करने को मौका मिला। यहीं से इनके हिंदी सिनेमा की शुरुआत हुई थी। इन्होंने लीडिंग एक्ट्रेस के तौर पर बहुत सारी हिंदी फिल्मों में काम किया। एन एवनिंग इन पेरिस, जिसमें ये बिकनी में नजर आई। शर्मिला टैगोर ही पहली इंडियन एक्ट्रेस थी जो हिंदी फिल्मों में पहली बार बिकनी में नजर आई थी। शर्मिला टैगोर ने राजेश खन्ना के साथ 7 हिट फिल्में की, जिनमें आराधना, अमर प्रेम, सफर, छोटी बहू, दाग, राजा रानी और आविष्कार हैं। शर्मिला टैगोर ने धर्मेंद्र के साथ देवर, अनुपमा, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, सत्यकाम, यकीन, चुपके चुपके, एक माहौल हो सपनों का और शनी में काम किया। शर्मिला टैगोर का जन्म 8 दिसंबर 1944 को कानपुर, यूनाइटेड प्रोविंस, ब्रिटिश इंडिया में टैगोर फैमिली में हुआ था। इनके पिता का नाम गीतेंद्रनाथ टैगोर था, जो ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन में जनरल मैनेजर थे। इनके माँ का नाम ईरा टैगोर था। इनके पिता रविंद्रनाथ टैगोर के खानदान से थे। शर्मिला टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर की ग्रेट ग्रैंड डॉटर भी हैं। इनकी दो बहनें थी, जिनके नाम वेंड्रिला कुंडू टिंकू टैगोर और रोमिला सेन या चिंकी टैगोर है। शर्मिला टैगोर ने अपनी शुरुआती शिक्षा लोरेटो कन्वर्ट आसनसोल वेस्ट बंगाल से की थी। इसके बाद उन्होंने सेंट जॉन्स डिओसिएशन गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल कोलकाता से अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी थी। शर्मिला टैगोर ने इस्लाम धर्म अपनाया और उनका नाम पड़ा बेगम आयशा सुल्ताना। फिर उन्होंने 27 दिसंबर 1968 को मंसूर अली खान पटौदी से निकाह किया। इन दोनों के 3 बच्चे हैं, सैफ अली खान, शबा अली खान और शोहा अली खान। मंसूर अली खान पटौदी का देहांत 70 साल की उम्र में 22 सितंबर 2011 को हो गया। शर्मिला टैगोर के अवार्ड की बात की जाए तो इन्हें वर्ष 1970 में पहली बार फिल्म आराधना के लिए इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। वर्ष 1974 में पहली बार इनको फिल्म मौसम के लिए नेशनल अवार्ड मिला। वर्ष 2013 में इनको भारत सरकार की तरफ से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के द्वारा पद्म भूषण अवार्ड मिला था। शर्मिला टैगोर के नेटवर्थ की बात की जाए तो इनका नेटवर्थ अबाउट $140 मिलियन है।